हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। एक हमारे व्यूअर हैं रश्मि सिंह, जिन्होंने रिक्वेस्ट करी है कि ग्रेड कैसे निकालते हैं एमएस एक्सेस पे, उनको ये सीखना है। तो हालांकि कई वीडियोस में, लगभग सारी वीडियोस में मैंने ग्रेड निकालना तो बताया ही है, लेकिन ये वीडियो भी ग्रेड निकालने का मैं बता दे रहा हूँ, एक और वीडियो। तो सबसे पहले माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस पे चलेंगे हम। 2007 वर्जन मेरे पास है, आपके पास जो भी हो, काम करने का तरीका लगभग सब में एक ही है। क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और यहाँ पर आ जाइए व्यू पर, डिजाइन व्यू पर आ जाइए। यहाँ पे मैं इसको नाम दे देता हूँ ग्रेड। ओके, एंटर प्रेस करता हूं। यहाँ पे आईडी आ रही है, ये चाबी से जो दिख रही है वो प्राइमरी की है, ये यूनिक की होती है। यहाँ पे लिखा मैंने रोल नंबर, ठीक है, क्योंकि रोल नंबर एक क्लास में एक बच्चे का एक ही रोल नंबर होगा, ठीक है, इसी वजह से इसे मैंने प्राइमरी की बना दिया। अब यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट नेम टेक्स्ट डेटा टाइप होगा, और उसके बाद फिर अब यहाँ पे जो भी लेंगे हम नंबर डेटा टाइप लेंगे, जैसे हिंदी पहला सब्जेक्ट, इंग्लिश दूसरा सब्जेक्ट, मैथ तीसरा सब्जेक्ट, साइंस चौथा सब्जेक्ट, एसएसटी पांचवा सब्जेक्ट, और एट लास्ट ड्राइंग छठा सब्जेक्ट। यहां पे इसका ऑप्टेन मार्क्स निकाल लेंगे, यानी कुल मिला के कितना हुआ। तो यहाँ पे ऑप्टेन मार्क्स आएगा और यहाँ पे आएगा एवरेज। तो एवरेज के बेस पे ही हम ग्रेड कैलकुलेट करेंगे। हालांकि और भी वीडियोस हैं जिनमें ग्रेड कैलकुलेट करने का आई इफ के अलावा भी और भी आसान फॉर्मूले मैंने बताए हैं, आप चाहे तो वहां भी विजिट कर सकते हैं। ये जो वीडियो है ये आई इफ फॉर्मूले को लेकर के ही है, ठीक है। अब यहाँ पे ग्रेड कैलकुलेट करेंगे हम। तो यहाँ पे लिखा मैंने ग्रेड, और इन सब को जो भी कैलकुलेशन में हमें शामिल करना है उनको सबको नंबर डेटा टाइप आप बनाइए। यहाँ पे जाइए, इसको बनाइए नंबर, फिर यहाँ पर आइए इसको बनाइए नंबर, फिर यहाँ पर आइए इसको भी नंबर, ऐसे करके हम सबको नंबर डेटा टाइप बना लेंगे। तो यहाँ नंबर डेटा टाइप हमने बना लिया सबको। यहाँ व्यू पे क्लिक कीजिए और यहाँ से ओके प्रेस कीजिए, यस कीजिए, तो ये इस तरीके से आपको दिखाई पड़ेगा। अब हम ये क्या करना है, क्रिएट पे चलना है, क्वेरी डिजाइन पे चलना है, और यहाँ पर ये शो टेबल जो आ रहा है इसमें ऐड करवा दीजिए अपने टेबल को, और यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, रोल नंबर आएगा, ठीक है, और यहाँ से ड्रॉप डाउन से आप चूज कर लीजिए स्टूडेंट नेम, ठीक है। फिर डबल क्लिक करता हूँ हिंदी इंग्लिश, यहाँ दो तीन बार आ गया, तो इसको क्या करता हूँ यहाँ से ड्रॉप डाउन चूज कर लेता हूँ, इंग्लिश के बाद वाला सब्जेक्ट ले लूंगा मैं मैथ, फिर यहाँ पे मैथ के बाद वाला सब्जेक्ट साइंस, और फिर यहाँ पर साइंस के बाद वाला सब्जेक्ट एसएसटी, और एसएसटी के बाद वाला सब्जेक्ट ले लूंगा जो कि है ड्रॉइंग, ठीक है, और ड्रॉइंग के बाद वाला सब्जेक्ट ले लूंगा जो कि है ऑप्टेन मार्क्स, और ऑप्टेन मार्क्स जो कि है एवरेज, जो कि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है वो ले लूंगा, ठीक है, सब्जेक्ट नहीं है ये। अब इसके बाद यहाँ पे ग्रेड, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें जो भी हमारे पास थी सब हमने इंसर्ट करा ली है। अब हमें सबसे पहले ऑप्टेन मार्क्स कैलकुलेट करना है, तो कर्सर को यहाँ क्लिक कर दीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ जूम व्यू पे आ जाइए। यहाँ जूम व्यू पे इसलिए ले रहा हूं ताकि आपको साफ साफ दिखाई पड़े, अच्छे से ये फॉर्मूला समझ में आ जाए। अब यहाँ ऑप्टेन मार्क्स के लिए कैलकुलेट करना है आपको, तो सबसे पहले कोलन लगाइए, अल्फा न्यूमेरिक बटन एल के ठीक बगल में, कोलन और सेमी कोलन एक ही बटन पे दिया हुआ है, शिफ्ट दबा करके वो वाला बटन दबाएंगे तो कोलन लग जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट बना लीजिए, और यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाने के बाद यहाँ पे लिखना है आपको पहले सब्जेक्ट का नाम। तो पहला सब्जेक्ट है हमारा हिंदी, तो यहाँ लिखा हमने हिंदी, क्लोज किया इसे, प्लस का निशान लगाया बाहर। अब दूसरा सब्जेक्ट है इंग्लिश, तो यहाँ लिखा हमने इंग्लिश, ओके, और तीसरा सब्जेक्ट है वो है मैथ, तो यहाँ लिखा हमने मैथ, चौथा सब्जेक्ट है साइंस, तो यहाँ लिखा साइंस, ओके, पांचवा सब्जेक्ट यहां से देख लेते हैं कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस के बाद है एसएसटी, तो एसएसटी ले लेंगे, और एसएसटी के बाद है ड्राइंग, तो उसको भी लिख लेंगे। तो पहले एसएसटी प्लस ड्राइंग, ये लिख लिया, सारे सब्जेक्ट हमारे पास हो गए, एक दो तीन चार पांच छह सब्जेक्ट हो गए, ओके प्रेस कर दीजिए। यहाँ पे एवरेज पे आ जाइए, ऑप्टेन मार्क्स के बेस पे हम एवरेज कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ वही कोलन का निशान आप लगा लीजिए और यहाँ लिखिए ऑप्टेन मार्क्स, और
अपॉन 6, 6 सब्जेक्ट है तो 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। अब यहां पे आई इफ फार्मूले का यूज थोड़ा ध्यान लगा के समझना होगा, अगर नहीं समझ में आए तो बार-बार इस वीडियो को देखिएगा, काम हो जाएगा आपका। यहां लिखिए आई इफ, आई इफ से मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, स्विच से नहीं कैलकुलेट कर रहा, स्विच आई इफ से मेरे अकॉर्डिंग ज्यादा आसान है, ठीक है। अब यहां लिखूंगा एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है, किसके 85 के कॉमा S ग्रेड, सबसे बड़ा ग्रेड कंप्यूटर साइंस में S ग्रेड होता है, क्योंकि मैंने A लेवल किया है तो A लेवल में जो सबसे बड़ा ग्रेड होता है वो कंप्यूटर साइंस में S ग्रेड होता है, ठीक है। 85 या 85% से अबव जो मार्क्स पाते हैं उन्हें हम S ग्रेड देते हैं, ठीक है। अब यहां पे लिखा मैंने एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब 85 तो हमने कर लिया, अब क्या करेंगे, अब करेंगे यहां पे 75 कॉमा A ग्रेड आ जाएगा उनका, ठीक है। आई इफ लगाया हमने फिर से, इसको हम नेस्टेड इफ बोलते हैं, आई इफ के अंदर इफ, इफ के अंदर इफ जो लगा रहे हैं हम इसे नेस्टेड इफ बोलते हैं, ठीक है। एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब क्या करेंगे, ग्रेटर देन और इक्वल टू हमें करना है 65 कॉमा सी ग्रेड, बी ग्रेड आएगा इस पे, आई इफ, अब फिर स्क्वायर ब्रैकेट एवरेज इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 55 कॉमा सी ग्रेड आ जाएगा, इफ लगाएंगे फिर से, फिर लिखेंगे एवरेज, ठीक है, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ रहा है, इसको लगा लेंगे 50 कॉमा डी ग्रेड, यहां पे डी ग्रेड कर देंगे। अब यहां पे देखिए इफ लगाने की दोबारा जरूरत नहीं, ठीक है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट फेल भी हो जाएंगे तो इसके लिए इफ आपको दोबारा लगाने की जरूरत नहीं। इफ लास्ट में दो कंडीशन में से कोई एक निकाल करके हमें दे सकता है, इस वजह से हम यहां पे लिख देंगे डबल इंटेड कोट्स में फेल्ड, दो में से कोई एक ही कंडीशन सेटिस्फाई करेगी तो वो जो भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा उसको निकाल करके दे देगा। अब यहां पे कितने ब्रैकेट क्लोज करने, 85 75 65 55 50, तो ये सारे ब्रैकेट्स भी हमने कर दिए क्लोज, ओके प्रेस करेंगे और यहां से रन पे क्लिक कर देंगे तो यहां हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ये कुछ दिख नहीं रहा क्योंकि हमने रिकॉर्ड से एंटर नहीं करे हैं, यहां पर रिकॉर्ड एंटर करता हूं, जैसे मैं लिखता हूं राम और यहां हिंदी में मार्क्स दे दिए, इंग्लिश में दे दिया, मैथ्स में दे दिया, साइंस में दे दिया और एसएसटी में दे दिया और ड्राइंग में दे दिया, ठीक है। तो यहां देखिए इनका 70% के हिसाब से ग्रेड जो है इनका आ गया बी ग्रेड। अच्छा, अब परसेंट जब कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे, देखिए परसेंट कैलकुलेट करने के लिए हमें वापस यहां पे आना है, ठीक है, इन्होंने परसेंट की भी रिक्वेस्ट की है रश्मि सिंह जो है, तो यहां पे लिखता हूं मैं परसेंटेज, ठीक है, ये लिख दिया हमने और यहां पे कोलन लगा लीजिए और यहां पे स्क्वायर ब्रैकेट बनाइए, तो ये भी ऑब्टेन मार्क्स के ही बेस पे कैलकुलेट होकर आएगा, ऑब्टेन मार्क्स लिखा हमने, ठीक है, और ऑब्टेन मार्क्स को ऐड करेंगे, ठीक है, और अपॉन जो कुल मिला के कितने मार्क्स का है, टोटल मार्क्स कितना है 600 है, तो 600 से इसको डिवाइड कर दीजिए, बस आपका परसेंटेज भी कैलकुलेट होकर आ जाएगा इजीली, ठीक है। तो यहां देख सकते हैं जितना एवरेज आया उतना परसेंटेज भी आया हुआ है। अब आपको बराबर ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं, यहां पे जैसे मान लीजिए सेकंड रश्मि ये ले लेता हूं स्टूडेंट का नाम और यहां लिखता हूं 66 67 77 88 98 ये लिख दिया हमने ऐसे करके और यहां पे एट लास्ट 56, ओके। तो यहां पे देखिए ये कोई एरर वैल्यू नहीं है, ये कॉलम छोटा पड़ जाता है तो ये ऐसा आता है, तो ये हो गया हमारा और यहां पे परसेंटेज भी आ चुका है आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से करके हम परसेंटेज ग्रेड और सब कुछ कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी है, कोई इसमें दिक्कत नहीं आएगी आपको, उम्मीद करता हूं इससे आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व हो जाएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।